कितनी ली लगाया मैं, 10 बैठी यहाँ तो देखो तो। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका दोस्तों एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं घर से खेत के लिए और दिखाते हैं आज का पूरा ब्लॉग। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले ब्लॉग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों देख सकते हैं हम आ चुके हैं थोड़ा गाँव से बाहर कोसी नदी के किनारे और चलने वाले हैं खेत पर, ठीक है। और खेत पर दोस्तों अभी पिछला ब्लॉग देखा था आपने, गन्ने वगैरह डाला था हमने, तो यार उसमें हो चुका है घास और आज होनी है दोस्तों उसकी नराई। तो पापा और हमारे चाचा खेत पर पहुंच चुके हैं और मैं भी खाना लेकर निकल चुका हूं घर से। तो दिखाते हैं दोस्तों आज का पूरा ब्लॉग और देख सकते हैं जो गेहूँ की फसल है वो भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं। और दोस्तों यार दो चार दिन से तबीयत ख़राब चल रहा है क्योंकि खांसी वगैरह हो चुका, तो इस चक्कर में ब्लॉग नहीं डाल पा रहा हूँ डेली। तो चलिए इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं सीधे खेत पर। और दोस्तों हम कोसी नदी पार कर चुके हैं और आप जैसे ही कोसी नदी पार करते हैं तो आपको तरबूज, खीरा, ककड़ी वगैरह की आपको फसल देखने को मिलेगी। और ये सब दोस्तों चल रहा है अप्रैल का महीना चल रहा है, आज है 6 अप्रैल। तो आप इस टाइम अगर कोसी नदी के किनारे से कहीं भी जाते हैं तो आपको ज़्यादातर इसी की फसल देखने को मिलेगी, खीरा, तरबूज, ककड़ी वगैरह जो फसल होती है तो आपको यही प्लेज वगैरह देखने को मिलेंगे ज़्यादातर। और गन्ना वगैरह तो इस टाइम छिल चुका है, कोई कोई बचा हुआ है और गेहूँ की फसल देखने को मिलेगी आपको। तो चलिए सीधे चलते हैं खेत पर। दोस्तों यार देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं फाइनली खेत पर और यही सी गन्ने की नराई हो रही है। तो चलिए दिखाते हैं आपको, कुछ नराई हो चुकी है और कुछ इस तरह का व्यू है, देख सकते हैं चारों तरफ ये गन्ना जी की नराई होनी है, कुछ हो चुकी है और उस साइड में चाचा और पापा नराई कर रहे हैं। और दोस्तों ये देख सकते हैं यह है सोल्जर मिर्च हरी वाली, तो इसकी भी नराई चल रही है, देख सकते हैं ये पड़ोसी नराई कर रहे हैं। और इस साइड में दोस्तों क्या हो गई नराई, क्या कितनी हो चुकी नराई, ये रह गया थोड़ा सा, ज्यादा ही गुनाया आज। अच्छा निकाल ही दोगे आज तो, फिर इधर ये गन्ना मेहनता आ गया, सही हो रहा गन्ना मेहनता तो इधर। और यार घास भी बहुत है ना, अब भागेंगे भैया। कितनी ली लगाया मैं, 10 बैठी यहाँ तो देखो तो। तुमसे भाग डर रही है ये, तुमसे भाग आओ। तो देख सकते हैं यार काफ़ी संख्या में नील गाय हैं और नील गाय को उधर भगाने के लिए गए हैं क्योंकि इस साइड में बराबर मिर्चे हैं तो काफ़ी नुकसान वगैरह करती हैं इधर, तो वो उधर भगा के आ चुके हैं, ठीक है। तो काफ़ी संख्या में नील गाय थी। तो देख सकते हैं दोस्तों ये है पेड़ी, नोला कट चुकी है इसमें और अभी जो है पेड़ी पूरी तरह से नई फूटी है, हल्की जमका आ रही है, ठीक है। इसको खाद वगैरह लगेगा और उसके बाद पानी वगैरह लगाने के बाद ये थोड़ा पूरी तरह से जम के आएगी, तो तब जान के आपको ब्लॉग आगे को दिखाएंगे।
दोस्तों यार शाम के बज चुके हैं 5 और जो अपनी नाई थी यार इस वाले खेत की हो चुकी है, ठीक है। देख सकते हैं जो घास था वो निकाल दिया, ठीक है। और बाकी जो दूसरा वाला खेत है अभी वो रह चुका है, उसकी नराई जो है अभी बाद में होगी, गेहूँ कटाई के बाद में। और इस साइड में दोस्तों अपने गेहूँ, तो यार गेहूँ भी तैयार हो चुका है, लगभग अभी एक हफ्ते में कटने का हो जाएगा। और आपको भी लोग आगे देखने को मिलता रहेगा। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं आपको एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।